अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम जल्दी जल्दी उठेंगे क्योंकि आज हम शूट करेंगे मिनी व्लॉग, और मिनी व्लॉग में होगा कि हॉस्टल में ब्रेकफास्ट में हमें मिलता क्या है। तो आज क्योंकि था वेंसडे, तो हॉस्टल के मेन्यू में वेंसडे को आता है चिला ब्रेकफास्ट में। तो ये मैं फटाफट डाइनिंग की तरफ जाते हुए सुबह सुबह ताकि चिला मिले, क्योंकि कभी कभी लेट हो जाती है बनाते बनाते। तो टेंटना, ये रही हमारी हॉस्टल की चाय। जितनी मर्जी लो, भर के कप लो, आधी लो, इट्स ऑल अप टू यू। और ये दो चिला विथ केचप, क्योंकि सुबह सुबह ऐसे सूखी चीज़ नहीं गले से उतरती है, सच कहूँ तो। और ये हमारे सामने का व्यू बिल्कुल सन्नाटा। फिर हम आते हैं रूम में। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अगर आपको लग रहा है यहाँ कहानी ख़त्म हो रही है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब हम उठाएँगे अपनी केटल और उसमें करेंगे गर्म पानी। वो भी मैं आगे बताऊंगी क्यों पानी को गर्म कर रहे हैं हम। तो इसको जाके पानी लाना भी एक टास्क रहता है। तो ये हमारे फ्लोर का कूलर है, तो मैंने वहाँ से फटाफट पानी लिया, फुल कर लिया ताकि मैं बार बार ना दौड़ूं। और वन साइड इसको गर्म कर दिया और दूसरी साइड अपनी दवाएं निकाली। ये है फिश ऑयल कैप्सूल, जो ठंड आते ही मैं लेने लगती हूँ, और ठंड साथ में नज़ला ज़रूर लाती है, तो नज़ले के लिए ये सारी दवाएं मैं खाती हूँ और इस वक्त खा रही हूँ क्योंकि बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है। और ये हमारा पानी गर्म हो चुका है, तो जल्दी जल्दी सारी दवाएं एक साथ, ये भी नहीं कि तीनों अलग अलग, एक पानी डालो, तीनों एक साथ डालो और फटाक से पी जाओ, ख़त्म करो। फिर इसके बाद हम खाएँगे खजूर एंड सम ड्रॉप्स। तो इसके बाद फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही। अरे नहीं, बिस्किट अभी बची हुई है, तो ये लास्ट है, बिस्किट हम खाएंगे। फिर इसके बाद हम बनाएंगे असाइनमेंट, क्योंकि ये भी बचा हुआ है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।